से अभी आपने देखा कि मुख्तलिफ मंडियों की सूरत हाल, उसमें बारिश का मौसम है आजकल, क्योंकि पानी खड़ा हो जाता है तो बीमारियां तो शुरू हो जाती हैं जब आप फॉर्म से जानवर को ट्रक पे लाद के मंडी तक लेके जाते हैं, तो बीमारियां तो उससे पहले की शुरू हो जाती हैं। अब वो और बेशुमार हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा बरसात है, इसमें जरासीम भी ज़्यादा होते हैं, इसमें मक्खियाँ भी ज़्यादा हैं, चिच्चड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन तमाम बीमारियों के जो ज़राए हैं उनसे जानवर को महफूज रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप जानवर को महफूज उस अंदाज में ज़रूर कर सकते हैं कि अगर उस वो एट रिस्क है इन तमाम चीज़ों के, तो उसे मुकम्मल उसकी हिफाजत जब बंदोबस्त किया जाए। अब जब आप जानवर ख़रीदने के लिए मंडी में खुद जाते हैं, तो आपकी अपनी सेहत, व्यापारी की सेहत, जानवर की सेहत, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। बिल्कुल, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों से इंसानों को लगती हैं, लिहाजा उन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। सो सिर्फ ये हमें नहीं मंडी में जाकर देखना चाहिए कि जानवर सेहतमंद है, लेकिन उस सेहतमंद जानवर के इर्द गिर्द बहुत से ऐसे जानवर भी मौजूद हो सकते हैं जिनमें बीमारी मौजूद है, और आपके टच करने से या आपके उनको छूने से या जब आप देख रहे होते हैं उनको बीमारी आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। सो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि जब आप मंडियों में जाएं तो हिफाजती जो इकदामात हैं वो ज़रूर करें, जिनमें ग्लव्स का पहनना बहुत ज़रूरी है आजकल, मास्क भी पहनना चाहिए, आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत लूज ना हो, क्योंकि अगर जानवरों के ऊपर चिच्चड़ या इस किस्म के जरासीम हशरात होते हैं तो वो आपके पे चढ़ जाते हैं और आपको चिपक भी सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बस वही जो जो लोग जा रहे हैं ज़रा ख्याल करें, बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ी गर्मी है ज़रा खुली डुली शलवार कमीज पहन के चले जाएं, मर्द ज़रा अवॉइड करें क्योंकि वो बीमारी आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। जी।